इंडिया आज अपने सबसे तवील समुद्री पुल का इफ्तिताह करने जा रहा है। ये है अटल सेतु नामी पुल, जिसका सोशल मीडिया पर हर जगह चर्चा देखने को मिल रहा है। इंजीनियरिंग का एक शाहकार कहलाए जाने वाले इस पुल का नाम साबिक इंडियन वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। 21.8 किलोमीटर की लंबाई और 6 लेन वाला ये पुल 18,000 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया है। जहां मुंबई और नवी मुंबई के दरमियान सफर करते हुए 2 घंटे लगते थे, अब इस पुल की वजह से सिर्फ 20 मिनट लगा करेंगे और इस खत्ते में ट्रैफिक का मसला भी हल हो जाएगा। और इसमें हैरान कन बात यह है कि लगभग 70,000 गाड़ियां इस पुल पर एक दिन में सफर कर सकेंगी और उनको 250 रुपए टूल टैक्स भी अदा करना होंगे। सिर्फ ये ही नहीं, इस पुल में जदीद किस्म का ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी इस्तेमाल किया गया है, जो फोग, हद निगाह और स्पीड लिमिट को भी डिटेक्ट कर सकता है। यहाँ तक कि समुद्री जानवरों को नुकसान से बचाने के लिए इस पुल की तामीर में ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि नॉइज और वाइब्रेशंस को कम करते हैं। इसके साथ ही साथ इस पुल में 1,77,903 मेट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है, जो कि 500 बोइंग तैयारों के वजन के बराबर है और यूं कह लीजिए कि मशहूर आईफा टावर से 17 गुना ज्यादा है। ये पुल सिर्फ 4.5 साल में तामीर किया गया है और दुनिया का 12वां तवील तरीन पुल है। इस हवाले से मज़ीद वीडियोस देखने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdunews.com।